नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है यहाँ पे वीवो Z1 Pro जो मेरा अभी पर्सनल फ़ोन है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जो है इसका पबजी का BGMI का गेमिंग टेस्ट करने वाले, इस फ़ोन के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह का इसका गेम प्ले है और किस तरह ग्राफिक्स है, जो मैंने पहले से यहाँ पे गेम इसके अंदर पहले से इंस्टॉल भी कर ली है और साथ साथ अभी रन भी कर रखी है, और देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देता है, लैग करता है कि नहीं करता है, सब कुछ आज इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। और ये मैंने आज ही इंस्टॉल करी है और दो तीन बार इसे ओपन भी कर लिया, तो आपको ओपन करने का पता लग जाए कितने टाइम में ओपन हो रही है। तो जानने के लिए कि ये किस तरह का परफॉर्म कर रही है इस फोन के अंदर, मतलब Vivo Z1 Pro के अंदर, तो सिंपली इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा Vivo Z1 Pro। तो इसमें सबसे पहले तो पबजी का गेम प्ले टेस्ट करने के लिए, सबसे BGMI का गेम प्ले टेस्ट करने के लिए, पबजी बोलने की आदत हो रखी ना, तो जैसे अब BGM हो चुकी है, तो जब BGMI गेमिंग टेस्ट करने के, सबसे पहले मैं BGMI जो गेम है उसको ओपन कर लेता हूं। मैंने पहले से इंस्टॉल करके मैंने बता दिया आपको पहले, तो जैसे मैंने इसको 3-4 बार ओपन भी कर लिया, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, दैट मीन्स ये नॉर्मली ओपन होनी चाहिए। तो जस्ट अब देखते हैं कि इसका टाइम कितना लगता है इसको ओपन होने के लिए। तो इसमें इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है ना, हाँ क्लिक कर दिया है। तो जैसे हमारी गेम यहाँ पे ओपन हो चुकी है, अब देखते हैं इसमें कितने टाइम लगता है इसको गेम को ऑन होने में। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है देखने टाइम कितना टाइम बर्बाद ना करना पड़े यहाँ पे, लेकिन आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली में ओपन होने के लिए इसको Vivo Z1 Pro के अंदर, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे लगभग लोडिंग हो ही गई है, ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं इसमें लगेगा, क्योंकि मैं पहले भी खेलता था जो उस टाइम तो नहीं लगता, जिसमें बहुत जल्दी ओपन, बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब जो मेरे पुराने फ़ोन टेस्ट करने उनके मुकाबले तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे ओपन हो जाती है गेम। तो देखिए यहाँ पे हमारी गेम यहाँ पे ओपन हो चुकी है, बिल्कुल मतलब कि बहुत कम टाइम लगा है पुराने फ़ोन के मुकाबले, तो काफ़ी कम टाइम लगा है। जैसे हमारी यहाँ पे गेम यहाँ पे ओपन हो चुकी है, कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसमें ग्राफिक्स जो है किस तरह के सेटिंग्स आते हैं। जैसे यहाँ मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं ग्राफिक्स के अंदर, और ग्राफिक में देखते हैं कि यहाँ पे HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, HD से ऊपर आपको मिलते हैं। मैं चेक करता हूँ, HDR नॉट अवेलेबल। तो HD में आपको हाई फ्रेम रेट पे मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे अगर बैलेंस्ड करें तो आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं अल्ट्रा पे खेलना पसंद करता हूँ। स्मूथ पे करें तो स्मूथ से ऊपर आपको नहीं मिलता अल्ट्रा, उसमें स्मूथ में भी आपको अल्ट्रा ही मिलता है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बैलेंस्ड में अल्ट्रा करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो आप ग्राफिक सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ग्राफिक सेटिंग यहाँ पे क्या कर दी है, मतलब कि क्या कर दिया, क्या मतलब जो है ग्राफिक सेटिंग मैंने बैलेंस पे अल्ट्रा पे कर रखी है, क्योंकि मुझे फ्रेम रेट्स हाई चाहिए होते हैं, जिसमें मुझे गेम खेलने बड़ा मजा आता है, क्योंकि फ्रेम्स का गेम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको सेटिंग को काट देता हूँ और बाकी सेटिंग तो मैंने लगभग कर रखी है। तो आप सिंपली जो है इसके अंदर एक गेम खेल चला के देखते हैं कि किस तरह की गेम प्ले इसके अंदर आता है। तो जिसमें जो है यहाँ पे मैप सेलेक्ट कर दो, मतलब किस तरह खेलना है, तो मैं एक TDM खेलने वाला हूँ अरेना में। तो अरेना पे जाते हैं, टीम दैट मैच तो सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ स्क्वाड गेम में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट। सो अब देखते हैं जो यहाँ पे क्या गेम प्ले किस तरीके का मिलता है हमको। तो एक गेम खेल के देखते हैं, मैं थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे हमारी गेम यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक जल्दी हो जाएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है। सो हमारी गेम यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ दिखा रहा है कि एक वर्चुअली गेम है, ओरिजिनल गेम नहीं है, ये रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती है, ये सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो जस्ट वो सबको पता है, हमको भी पता है खैर, लेकिन फिर भी आजकल बताना जरूरी हो जाता है। तो जस्ट हमारी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे पास यहाँ पे भी ग्रोज़ा है, तो मैं ग्रोज़ा से ही खेलने वाला हूँ। सो चलते हैं अभी इधर, और यहाँ पे हाँ यही चाहिए था मेरे को होलोग्राम। सो अभी देखते हैं कि किस तरह गेम प्ले हमें मिलता है यहाँ पे। सबको मार देंगे, ये पहला किल हमारा, और यही चीज़ नहीं पसंद है मुझको इसकी, मतलब कि जो स्लाइड डाउन नीचे आता है ना, ये चीज़ जब मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 फिंगर खेलता हूँ, तो इस तरह के खेलता हूँ, ये दोबारा से नीचे आ गया, देखिए शट 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 शट। आज तो नहीं छोड़ेंगे किसी को, ये एक और डाउन, हमसे पंगा लेगा। ओ शेट, सामने से मार दिया इसने हमको, धोखेबाज, हिम्मत तो पीछे से मार के दिखा। ये एक और डाउन, गेम प्ले तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है इसके अंदर यार। मतलब मज़ा ही आ गया। ओ शेट, साइड में बंदा, पीछे से बंदा यार, ये सीरियसली ले गया पीछे से मारने वाला, थोड़ा सामने से मार के दिखा, मैं सामने से खैर एक बार उसने मार ही दिया यार, शेट। कोई बात नहीं, अभी हम लीड में हैं।
गेम प्ले तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और फ्रेम रेट्स की बात करें तो आपको दिखाऊँ यहाँ पे फ्रेम रेट्स, यहाँ पे 40 के फ्रेम रेट्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे। FPS होती है ना, मैं भूल भी गया, पिंग, सॉरी, हाँ पिंग होती है, MS पिंग होती है जो। तो पिंग हमारे पास यहाँ पे 40 की पिंग आ रही, 48 की पिंग आ रही इस टाइम। एक और डाउन, बात करते टाइम मारते हैं यार, धोखे बात कहीं के, थोड़ा सा हील होने दीजिए। सो अभी चलते हैं वापस वहीं पे, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आ रहे हैं यार, मेरी शायद क्लास तो नहीं शुरू होगी है। यस, 2 down 7 फिनिश। यार बीच बीच में कॉल करते हैं, मेरी सारी रिकॉर्डिंग ख़राब करती, बट चल कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं दूसरी सिम पे कॉल आया था, मेरा नेट बंद हो गया था, वो भी एक दिक्कत है, सो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ओह शिट यार, मतलब गेम खेलने का फ्लो जो है वो ख़राब कर देते हैं ना ऐसे बार बार कॉल करके। देखिए दोबारा से यार, ऐसे देखो मैं ऐसे नीचे करता हूँ यार, ये नीचे आ नहीं रहा, अब आ गया। हाँ था यार, चलो कोई बात नहीं, चलो खैर ज़्यादा भी क्या खेलना है यार, फिलहाल इसको बंद करते हैं। आपको गेम प्ले का तो पता लग ही गया किस तरह गेम प्ले इसके अंदर आता है। तो जस्ट अब मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, मतलब गेम को लीव कर देता हूँ यहाँ पे, गेट टू लॉबली, क्योंकि गेम काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो जो ज़्यादा लंबी भी क्या करना, आप कब तक देखते। जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि गेम प्ले किस तरह का है, किस तरह के जो है गेम प्ले आया, जो लैग तो ज़्यादा नहीं करी है गेम, मतलब कि बिल्कुल स्मूथ चली है। सो अभी हमने सेटिंग दिखाऊँ, ग्राफिक सेटिंग आपको मैं, तो यहाँ पे जाते हैं हम ग्राफिक्स के अंदर, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का जो है बैलेंस में जाके अल्ट्रा में जो है हम गेम प्ले खेल रहे थे, तो उसमें जो है काफ़ी बढ़िया गेम प्ले है, बिल्कुल भी लैग नहीं करी है मेरे पास। हाँ थोड़ी बहुत फ्रेम रेट्स मिले थे, लेकिन खैर उसका तो कुछ नहीं कर सकते। पिंग भी लगभग 40 की आई है, तो मतलब नेटवर्क से काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि पिंग भी ज़्यादा हाई नहीं आ रही है इसके अंदर, इस फ़ोन में। तो जस्ट आप देख सकते काफ़ी बढ़िया गेम प्ले है, मतलब गेम खेलने के लिए आपके लिए सही है, मतलब बजट के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये सही है। अगर आपको कोई फ़ोन खरीदना है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप खरीदना चाहें तो। गेमिंग के लिए सही है, फोटोग्राफिक्स के लिए सही है, और मतलब कि ओवरऑल ये डिसेंट फ़ोन है, आप नॉर्मली इसको जो है खरीद सकते हैं एक बजट फ्रेंडली फ़ोन की तरह से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड खेलना है तो उसके लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप जो है इसमें लगभग सब कुछ कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो गेम इसमें काफ़ी बढ़िया प्ले हुई है, और बिल्कुल भी मेरे पास अभी तक मैं बिल्कुल भी लैग नहीं हुई है, थोड़े बहुत फ्रेम रेट्स आए थे, लेकिन हाँ थोड़ी बिल्कुल भी लैग नहीं हुई है इसके अंदर, मेरे पास फ्रेम रेट्स भी लगभग सही आए हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह का गेम प्ले था इसके अंदर। और अगला गेमिंग टेस्ट इस फोन के अंदर मैं जो है उसका करने वाला हूँ, क्या नाम था, न्यू स्टेट, जो अभी नहीं गेम है, उसका भी गेमिंग टेस्ट मैं इसका अगली वीडियो में शायद कर दूंगा, तो वो भी देखते हैं उसका गेम प्ले किस तरह का आता है। तो फिलहाल आपने इसका गेम, मतलब कि BGMI का गेम प्ले तो देख ही लिया किस तरह का है, तो आप जो है अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का गेम प्ले इसके अंदर मिलता है, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, आपको देखी गया काफ़ी बढ़िया गेम प्ले है, मतलब कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गेम प्ले है। तो जस्ट तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।